हर रंग विच आप समाया है, इक विच समझाया है, हर रंग विच आप समाया है, इक विच समझाया है, हर रंग विच आप समाया है, इक विच समझाया है, हर रंग विच आप सदगुरु तो एक ही है जो मुक्ति का दाता है, वो चौथे लोक में रहता है। सुन हृदय सतगुरु सैदानी
सतगुर सतपुरुष को जाने। चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। परलोक की तक काल का दर है, वो सतगुर चौथे लोक में रहता है। एक ही सतगुर है, उसकी ज्योत सबके अंदर काम कर रही है। एक ही किसे सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सब एक जो जान दो प्रतिरोध है। उसी ने सारा खेल किया, काल को भी उसी ने रचना का हुक्म दिया है। सब कहते हैं आपके धर्मदारी मेरा सतगुर आपके खेल खिलाड़ी हो। गगन मंडल का तमुतनाया धन विलीचा डारियो, चांद सूर्य तो मसाल बना दी, तारों की फुलवाड़ी हो, बाहर की तो नहीं बना सकते। पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप बने खुद माली हो। फसाया भी आप है, निकालने वाला भी आप है। आप ही सब आप है, प्यार आप थाप थापे, आप वेग भी सदा प्यार कर चोज में के प्रभापे। आपे बनते सब था प्यारा, आपे गुरु आपे आपे चलो पहनता है। अगर वो ना है हम जा ही नहीं सकते, काल ने भला ही ऐसा है, उसने रचना ही ऐसी की है कि निकलने का राय नहीं छोड़ा। जितने कर्म धर्म जप ताप पूजा पाठ हम करते हैं सब काल के धैर्य की है, सब उसकी रचना है। सब जप सब तप सब चित्राई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन बुझे कोई था न पाई, नाम उन्हें मत चाई। वो शब्द रूप में नाम रूप में दिल दिल में जमा हुआ है। इसका रूप क्या शब्द या नाम, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुन चेला। वो शब्द ये लफ्ज नहीं, वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं। इनसे परे अगर इन लिखने पढ़ने में हो तो पंजाबी के हैं तो हमारे लिए, अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजों के लिए, हिंदी के हैं तो उनके लिए, फारसी तो उनके लिए, ये तो समझाने के लिए हैं। जिन बार नहीं छाया माया नाम शब्द पछाने, शब्द शब्द वक्त सबको कहे बैत शब्द बदे, दीपा पर आवे नहीं लिखने पढ़ने। सोचो वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं, ये लफ्ज तो बदलते रहते हैं, वो बदलता नहीं, कुदरती आवाज है। वो बदलता नहीं, ये बदलते रहते हैं। जो पंजाबी को नाम सके वक्त हो अब नहीं, जो अंग्रेजी हिस्सा के वक्त हो अब नहीं, देख लो ये बदलते रहे और बदलते रहेंगे। लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं। इंसान लिखा द ग्रास फ्लावर क्रिएटेड बट द वर्ड ऑफ गॉड शैल स्टैंड फॉर एवर। घास सूख जाएगा, फूल मुरझाया जाएगा, ये खुदा का कलाम उसी दिन रहता है। उसकी ज्योत जैसे ये करंट है बिजली की, ट्यूबों को बल्बों को सब जगह देख लो, जिंदगी ताकत दे रही है, इनको जला रही है, काम कर रही है, अच्छे बुरे सब इसी से है। मशीनें कटने वाले भी इसी हैं, बनाने वाले भी इसी हैं, इसलिए करंट वो सब अंदर है। वो खुद ही निकाले, फसाया भी आप है, निकालने वाला भी आप है। फिर आता है जो जीव तड़पते हैं वापस जाने के लिए, उनके लिए वो आता है, खास किसी के लिए आम नहीं। कभी कहीं कभी कहीं 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 जहाँ जरूरत होती है वहीं, जहाँ जरूरत होती है वहीं स्कूल कॉलेज खोलते हैं। इसी तरह ये है, न एक जगह तक ठहरी है ना ठहरेगी। कभी शम्स तरीर का रूप धार लिया कहता है, कभी मौलाना नूम का, कभी गुरु नानक साहब का, कभी कबीर का। सोच लो जिनका उनसे तल्लुक पड़ गया वो चला जाता है। ये अलग महकमा है, काल का अलग है। जैसे सेंटर का मुलाजम अलग है, सूबे का अलग है। सेंटर के मुलाजम को सूबे वाले कुछ नहीं कर सकते, इस तरह जो इस महकमे में आ जाता है काल वहां से कुछ नहीं कर सकता। वो उसको ले जाकर ही छोड़ते हैं, आती इसलिए है और नहीं। हाँ क्या कहता है कबीर साहब ने कहा है, कबीर नाम तो कबीर हुआ, कबीर कबीर तुम क्या करो, छोड़ो जाकी आस, अपना आपा जोल है सोई कबीर दास।
सोच लो अपने आप से परे हो तब कबीर बने। कबीर कहते हैं सबसे बड़ा नानक, नानक का मतलब क्या है, ने अंक जिसे कोई शुमार नहीं वो ताकत आई, कभी किसी चोले में कभी किसी चोले में, ऐसे ही है, वही नाम उसमें पड़ गया। फलाना डॉक्टर, फलाना डॉक्टर जिसने कोर्स किया वही उसके नाम पड़ा डॉक्टरी, कहां तो डॉक्टरी ने करना है, कभी गुनाह चोले में गुनाह सब रूप क्या था शब्द, फिर वंग सब के चोले में उनका रूप क्या था शब्द, फिर वो अमरदास के उनका रूप क्या था शब्द, नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द सुनायो, धन धन गुरु रामदास गुरु जी ने पारस पारस मनायो, शब्द ही काम करने वाले शब्द गुरु। जब तक इंसानी चोले में ना आवे हम समझा कैसे, समझावे कैसे, कभी को रूप धारता है कभी को रूप धारता है। हाँ हाँ जी ये बातें तो पहले मसान जी लिख गए हैं सच भाषा के टाइम से ही, वचनों में लिखाया उन्होंने, एक बच्चा ही था उससे लिखवाते रहे, छुपा के भी रखी, लिख भी गए दही ने, अब हमने किताबों में छुपा भी दिए हैं कि पिछले जन्म में एक मस्ताना बाबा जान सिंह से मिले, उनका तुम पुराने भक्त हो तब हमारे से बात कर सके, अब हम भी चोला छोड़ेंगे दूसरे रूप धारेंगे शाम शाह का, तुम्हें भी चोला बदल के बलोचिस्तान में पहले काम करना पड़ेगा, बलोचिस्तान में तुम्हारे इंतजार में बहुत रुए हैं, फिर सरसर जाकर बागड़ की तरफ जाना पड़ेगा, देख लो ये पहले लिख गए हैं, बाद में जब बही हमारे हाथ में सारी देखी फिर सोच लो सच भाषा में इसीलिए बिठाए थे, और मारवा सानक वंजा में कहा था कि जयपुर जोधपुर की तरफ जाना पड़ेगा, कोई ख्याल ही नहीं था, मुसा जी तो नौ गए फिर गंगानगर, देख लो अब वहां से संगत आती है सब दूर दूर से आती है, यहां बैठे भी हैं मुकराने के पास से, और जिन जिन खास खास लोगों के लिए आते हैं तड़ते जो हैं, जिनकी कोई पुरानी भक्ति है लेने देने खत्म करने हैं, कितने युग हो गए हमें, किसी कहीं लेने देने है, किसी कहीं पे किसी कहीं पड़ा है, जब तक ये खत्म ना हो आगे जा नहीं सकते, अकाउंट तो खत्म करने पड़ते हैं, ये बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, छोड़ देने कटवाता है सारे कर्म कटवा के फिर फ्री करके ले जाता है, ये खास निशानी है फकीर की, क्या उसके चिताए जीव आराम से जाएंगे, उनके चेहरे पर खुशी होगी, अगर वो कोई कर्म पहला है रहता है बकाया तो मौके पर कटवा लेंगे, सोच लो फिर फ्री करके ले जाएंगे, अगर बाकी कोई और भी रहता है फिर दूसरा जन्म दे कहीं जहां है वो कुछ जल्दी कटवा के वो ले जाएंगे, छोड़ते नहीं, धर्मदास आठवें जन्म में गया, ये जल्दी का काम नहीं, कई आते हैं किसी भजन नहीं बनता, भजन जल्दी नहीं बना करता, इसके लिए मुद्दे चाहिए, डॉक्टर इंजीनियरिंग के लिए कितना टाइम लग जाता है, ये तो जन्म मन के मुद्दे छुड़ाने हैं, सोचो ये जल्दी का काम ही नहीं, ये भागों से कोई भागों वाला हो उसका सच्चे फकीर से तल पड़ता, बाकी नहीं, बाकी इसी तरह तो नहीं चलनी है, सोच लो ये उसके अपने हाथ है किसी के हाथ नहीं, सब ठगी है, आपे सब आप क्या नाम है अखन वाला क्या विचारा, स्थिति परे तेरे पंडारा, जिस तुम दे किसे क्या चारा, नानक सतसवारा नारा, हाँ जिसको वो बख्शे, हाँ जी हाँ बोलो, हाँ Thank you.
एक एक स्पीच के बाद कई गद्दियां मारनी फिर देख लो फिर असूल बन गए। सोच लो फिर आगे से आए गुरु फिर घूम चढ़ गए। जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसको चीज असली मिलती है, बाकी नहीं। बस इसे चले काम, बाद में सीधे सीधे में और काम हो जाएंगे, लेकिन असली चीज नहीं। हाँ हाँ जी कदर की है। और मौके पर गुमान साहब के लड़कों ने कदर ना की, गुरंग साहब के लड़कों ने कदर ना की, लाते मारी देख लो भाई, गुमान साहब के लड़कों ने भी कदर नहीं की। पृथ्वी चंद सारी उम्र मुखालफत करता रहा। देखो शमशेर का खास शेष मौलाना ढूंढ, उसके लड़के ने शमशेर की खाल उतारी, साथ था बोलो भाई, जिसको बख्शे बस देख लो। साथ रहने वालों को माया घेर लेती है, मर्दाना शरीर को साथ रहा, मैं तो वहां रहूंगा जहां टक्सर खा जाए टक्सर पाजी। कितनी दफा भागा गुरु गोविंद सिंह लांगड़ी, सोच लो ये तन मन के बंधन छोड़े, माया का प्यार छोड़े, सुन करे फिर है ये पकड़े बैठे, इसको अंदर जाने नहीं देते, असली चीज को पकड़ने नहीं देते। हाँ हाँ जी हर रंग बिच आप समाया है, आपे ना जपाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आप ही कहता ऐसे कर भाई, ऐसे जप ऐसे मिंत कर, उसका हुक्म मानना ही भजन है। बस हुक्म मानना ही भजन है। वो जो रास्ता बताते वो सही रास्ता है, बाद में रीतें मन जाती हैं। ये फकीर की अथॉरिटी पे है, सोचना। पुलिस खड़ी है यहां, हम भी खड़े हैं, डाकू जा रहे हैं,
अरे हम सिपाहियों कहे गोली चलाओ, हमारे कहने पे चलाएंगे? थानेदार क्या है फिर तो चलाएंगे? लफ्ज तो वही है, लफ्जों पे नहीं है, बाद में रीतें बन जाती लफ्जों की। वो कहता हमारा नाम बड़ा, वो कहता हमारा बड़ा, ये मौके मौके पर है। वो जो बताते हैं सिमन, उस सिमन से उस नाम से तल पड़ता है, उस सिमन से मन की नहरें साफ होती हैं। ये खास बात है, लफ्ज बदलते रहे और बदलते रहेंगे। ये साफ लिखा पानी में बोली गई, वो क्या नाम है काम ठोल। कृपा कर एक उसकी मेहर पे है, कृपा करे जिस पार ब्रह्म हो गए साधु संग, यो यो बधाई त्यों त्यों से रंग। जो सिरा का खसम आप अवन दूजन था, साधु तुटे पाइए नानक सच्चा ना। उसकी मेहर से साधु से संत मिलता है, फिर ये चीज मिलती है उसका बताया हुआ सिमरन। और जो हम आम भक्ति करते उसमें क्या फर्क है सुनो। हाँ, कीमती बात वाणी में है, जरा जरे में खुला है। कभी हमने लिखा संत का मार्ग कर्म की कौड़ी को बुटपागी पाए, और जन्म के किलवे काटे हर चरनी चितलाए। सोच लो क्या कहते हैं, सुनो शब्द रोज पढ़ते हैं, कभी हमने विचारा ही नहीं। हाँ, काम क्रोध मवास किया, कृपाण लोभ प्यार, आदमी कोई अति कामी हो, अति क्रोधी हो, अति लोभी हो, पैसे पैसे के लिए मरता हो। हाँ, चारे किल विखम आघ किए, असर सुहार। चारे किलो क्या, जानवर को मारना, मांस खाना, शराब पीनी, पारिस्त्री काम वगैरह सारे आए हो, राक्षस बुद्धि बना हुआ हो। हाँ, पोथी गीत कवच कीच, पदे ना करन करया। कभी मालिक का नाम भी नहीं सुना, सोचो इतना पापी। अरे भगवान से ऐसा कोई साधु मिल जाए, वो रास्ता बताए, उसका नतीजा क्या है। हाँ, चित आवे ओ सरकार ब्रह्म, तनिमक सिमरत तारे। निम सिमरत तरिया, ये निम माल की दरगाह पहुंच गया, कोर्स तो लंबा है, लेकिन जिन दूर तो गया नहीं चढ़ेगा। सोच लो उसकी समाज जरूर हो गई, उसकी जोर संभाल होगी, बल्कि यहाँ तक के रिश्तेदारों करे, रिश्तेदारों तो कभी संभाल होती है। मसा जी तो वजन कर गए थे लकड़ी वाली में, रिश्तेदारों की भी डंगरों की भी जिनका दूध पिया है। हम देखते हैं मरते हैं जब, उनके चेहरे पे खुशी होती है, फिर संभाल होती, फिर नाम मिलता है। यहाँ एक हवालदार था, ये असीर में कई दिन रहा ड्यूटी पे, इन्होंने लगा बड़ी सेवा करता, अभी परस चौथी गया है, आ जाता कई दिन। उसकी मान को जमदूत ले गए, अरे सदगुरु ने डंडा उठा लिया कि भाई हमारे प्रेमी की माता है, इसको हाथ नहीं लगाना, बस देख लो साफ कह के। अमित की नाम है अमित सिंह, अमित सिंह, हाँ इधर का है बागर, देख लो भाई। ये है संत जी के हर जो कार्य तुम्हारे प्रहलाद भक्ति की कुल धारे, तो अच्छी तरह कर इक्की, अगर कोई धूमधाम पहुंचता है तो एक सौ इक्कीस को ले जाता है, उनको फिर पकड़ते हैं, नाम दे के फिर लेके जाते हैं, कोर्स करा के, ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी, अगर थोड़ा भी करता है चार को नहीं। हाँ, ये असली भक्ति पे है। हाँ जी, चितिया तारे।
अब ये तो है व्यासरी, दूसरी तरफ शास्त्र सिमरति वेद चार सब शास्त्र स्मृतियां चारे भेद जुबानी याद हो सोचो तपे तपी सारी जो तीर्थ यात्रा भी करता है खटकार मात तो जने पूजा करता खटकर्म क्या विद्या पढ़ना तो पुराना दान देना तो देना या करना तो कराना ये भी करता है दुगने क्या ठाकुर मंदिर की पूजा भी करता है हम क्या कहेंगे उसको सोचो इतना कर्मी धर्मी क्या कहेंगे जो सुर्गो में जाएगा कम से कम ये तो कहेंगे वो क्या कहते हैं नतीजा पूर्ण कार्यक्रम फैसले बेचारा पढ़ते रोज ना शब्द जाकर मुश्किल बने टोई कोई नंदी उसमें है हाँ नतीजा क्या देते हैं सुनो हाँ रंग न लगी पार ब्रह्म पसर पार नरके जाए बोलो सर पर नरके जाए हम उसको मतलब देखते हैं देख लो ग्रंथ साहब के फैसले हैं उन जजों के फैसले हैं हाँ हाँ जी चलो भी हाँ कभी समस्त वरे शांति बूंद का आशिक है देखो उसके प्यारी तो नहीं होता है ये पपिया हो जिसको सच्ची तड़पा सच्ची लगना है परमार्थ की उस पे मेहर करता है हाँ आम नहीं हाँ हाँ सावन महीने बिच आके पपिया शांति बूंद मिला के दुखी जीवा का दुखी जी पे दुख मिटा के ये हमने बाहर के दुख पकड़ लिए जनमन के दुख का किसी को ख्याल नहीं छुड़ाने का सोचो तन के दुखों का ख्याल है देख लो और दुखों का ख्याल है जन्म मन के बंधन के दुखों का किसी ख्याल है वो तो ये छुड़ाने आते हैं ये कर्म जैसे करते हैं वो तो भोगने पड़ेंगे सबको दुख सुख पूर्वक जन्म के किए खास बात है जो जाता है बस तन के दुखों के लिए या माया के लिए बस
दुख सुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सब अपना किया करा रहा है, सबको भुगतने पड़ते हैं। कहां रामचंद्र राजा काम वनवास, फिर कहते ये कर लो वो कर लो फलाने पूछ ले लो ये कर लो। वशिष्ठ ने देखो लगन निकाला बोलो, फिर भी ये हाल है। राजा हरिचंद कहा राजा कहा चूड़ी कर बिका, कर्म ऐसे हैं ये कर्म भुगते नहीं, जब तक ना भुगते छुटकारा नहीं। जितनी प्रेमी को तकलीफ आ जाए उसकी रजा में रहे फायदा इसके लिए है। कई प्रेमी को मरते देखते हैं, मौत के वक्त है तकलीफ होती है सख्त, फिर बाद में ऐसे जाता है बस खुशी खुशी, ये है निशानी मौत की असली। सोच लो अब तो रोज तसलियां होती हैं, लोगों को चिट्ठियां आती हैं, ये दुख दूर कर के लिए आते हैं बाहर के नहीं। हाँ बाहर के वो फकीर ऐसे हैं वो खुद भी फंस जाते हैं, ये भी फंसता है। कर्म जरूर भुगतने पड़ते हैं सबको भुगतने, कर्म का कार्य नहीं करे, दुख हो सुख हो समझ में लगा रहे, दुख सुख करता तो लिख पाया दूजा पाओ आपरताया, गुरमुख हो सो लिपतो वर्ते मन मुख का क्या विषय है। कि दुख सुख मेरी गरीबी तंदुरुस्ती बीमारी कर्म के हिसाब से हम रखवा के लाए, ये जरूर भुगतनी है। जो भक्त जन है जो गुरमुख है वो कहते मैंने किए भी ये तो भुगतने हैं, वो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करते भक्ति में लगा रहता है, बस वो एक ही चीज मांगता है बस, कि सदगुरु तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसको तन का प्यार खा गया विषय विकार खा गए, सोच लो। याद रखो खास बात, हाँ हाँ जी रोज यही है बस यही है, कोई कहता है मेरे दर्द है, कोई कहता है ऑपरेशन है, कोई कहता है ये कराना पड़ेगा। एक बीबी बैठी है उसका ऑपरेशन हुआ, सब ने उसको पर्चा दिया, इसको गाड़ी निकाली इसकी, इससे गाड़ी खा, इसका ये किया इसका ये बदला, इसका ये कर इसका ये बदला, बोलो। बल्कि वो तो सूर्य से सूर करवा लेता कर्म आराम से, कुछ गाता कोई रजा में रहे। हाँ उसको बल्कि तकलीफ ही नहीं होती भजन वाले को, अगर भजन अच्छी तरह करे इसको तकलीफ महसूस ही नहीं होती, बहुत कम महसूस होती है। हाँ हाँ जी सावन महीने बिच आके पपैया साथी मिला के दुखी जीवा का दर्द मिटा के बदल मेहरा दिया चलिया ना तू। सावन सावन आया है इतने कुत्ते बीच सम आया है, हर रंग बिछिया समाया है इतने कुत्ते बीच सम जाया है, हर रंग बिछिया नारब गंगा नारब माँ के
दादा आना सके इनको मुस्लिम लब लब छाके जिसने मिलना हो अंदर जाके भेद बताया है सावन सा भेद बताया है कि नुकते बीच समझाया है हर रंग बीच आप बार कबीर जी की माता बहुत सागर बाणी बड़ी ऊंची है मगर उसको समझना मुश्किल है। पहले तो पूरी लिखी नहीं जा सकती बात, हमारे दिमाग में कोई बात आए हम लिखने लगे तो वो उसी तरह लिखी नहीं जा सकती। देख लो फिर उसको विरला ही समझेगा कोई, इसलिए बाणी बड़ी ऊंची है लेकिन उसको समझना मुश्किल है। जब तक कोई काल स्क्रीन ना मिले बाणी की समझ ही नहीं पड़ती। हम रोज पढ़ते हैं नंद भया मेरी माया सकून पाया सकून पाया सह सती मन बजी बधाइयां राग रतन परिवार पे शब्द गाना। सोचो भी किसको आनंद मिला, पढ़ तो लिए दो वक्त आनंद मिला उन्हें तो आनंद लिया मेहनत की तब अंदर सदगुरु को प्रकट किया। कहां प्रकट किया? सहस्थिति सहज अवस्था में त्रिलोकी के पार चौथे लोक में जाया वहां सतगुरु मिले तब आनंद मिले। कैसे मिले? कि पढ़ने में मिल जाएगा। सोचो कभी किसी ने बेचारा है सोच लो वहां जाए तब है बाणी कहती तेरे अंदर और भी बाणी है कटन तेरे सच्ची बाणी सच वा पिछाने नाम कितनी बाणी है। आनंद सुनो बट भाग्य सगल मनोरथ पूरे कब हुए पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। ब्रह्म है पार ब्रह्म है ईश्वर है परमेश्वर है अल्लाह लहू है लहु अकबर है। पार ब्रह्म में जावे तब है वहां आ रही है बाणी दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी वहां जावे उस बाणी को सुने उसके नीचे अनंत बाणी वो भी सुना के दायरे में है। मिलती कैसे संत साजन पाए सरसे पूरे गुड़ते जाने सरसे का मतलब सरसे शहर इलाका नहीं जो संतों की सेवा में जाकर उनको खुश किया तन मन की बंधन तोड़े तब मिलती है। बस ये जो मर्जी निकाल लो बस सरसा बना लिया बस सोच लो
वहां जाए सुने तब दुख दूर हो, अगर दुख दूर नहीं हुए समझो वाणी से तुल भी नहीं पड़ा। ना शब्द बूझे ना जाने वाणी मन समझे दुख व्याणी। आओ सदगुरु के प्यारे गावो सच्ची वाणी, वाणी तो गावो गुरु केरी, वाणिया सिर वाणी कभी सोचा है। ना रब मते ना सुनो, काल ने रचना ही ऐसी किया है, जब कबीर आया उससे झगड़ा किया, कहते कैसे ले जाएगा तुम जीवों को, मैंने ये झंझट फैलाए हैं काल ने। आप सुनो, काल वचन तबे काल असबाने सकल जीव बस हमारे ज्ञानी। 360 पैठ उरझेरा कैसे हंसन देव उबेरा। 360 उलझेरे डाले हुए हैं मैंने। हाँ क्या? हाँ गंगा जमुना सरस्वती जानी पुष्कर गोदावरी कुछ कामानी। ऐसे फंसाया हुआ है। हाँ बद्री केदार हम काठा जहाँ तहाँ हम तीर्थ लगाऊं मथुरा नगर उत्तम जो जानी जगन्नाथ जस बैठे जानी सेतु बंध पुन कीन ठिकाना पुष्कर क्षेत्र आए जम थाना हिंगलाज जीव जह सोई कालका नगर कोट में होई गढ़ गिरना को थाना ताहे घेर जम बैठ निदाना कमरु माह कमी छा देवी हिम खार निस रख जम ले नगर नगर अयोध्या राम है राजा देत बांध सब साजा यही पैठ जग जीव बुलाई कह विदहंस देव मुकताई। दर्शन करते हैं वो जो ठीक है वहां खुशबू है भक्ति की, बाद में बस वही पे वही मत डिगने लगे खानदान में, खानदान में चीचा चली जाए। सोच लो कि नई जगह बनते फिर वहां बस कलिए तीर्थ थे, फिर उन्होंने देखा फकीर देखते हैं भाई अब ये तीर्थ तो छोड़ते नहीं, एक नवा तीर्थ बना लो। चलो इस हिसाब से आ जाए फिर सुन लेंगे कोई बात किसी के दुकान में पड़ेगी। इसी तरह फंसते गए हैं बस आगे से आगे आगे से आगे। फिर काल के हवाले गवर्नमेंट छावनी बनाती है, काम लिया बाद में जो मर्जी हो ऐसे ही है। फिर मतलब कल को एक सच्चे होकर फिर कपड़ जाएंगे इसी तरह बस जैसे और हैं। जो मौके से फायदा उठा गया नहीं तो बस
हाँ जी हाँ नारद गंगा नारद माते बीच की बाबा ना सके हाँ हिंदो मुसलमान ना आदमी को बनाया नहीं सोच लो ये स्कूल है स्कूलों के बेटे के लिए लाल डॉक्टर माँ के पास ये इसने लिखा है ये राहुल ने लिखा है सब मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों पे लिख दो तो खुदा हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है तो मस्जिद और फाटकों से परे है दूर है हाँ हाँ जी चीज इसके अंदर आप कीते तो चल अंदर चीज अंदर है फिरता बाहर कैसे मिले जीवन दाता बसे सुना करे पाला इसका आनंद नौ खंड पृथ्वी हाट कुटुंबा दारा इसका आनंद ब्रह्मा विष्णु महेश संसार सत्या फिर जाया वरम तो सारा एक विषय में लिखा है अब दो अंदर दोनों नियारा कोई जाने का जाना नारा यादव पीते बाना रुपास की यही में झाक पहारा यादव पीते बाग बीचा यही में सिंचे नारा यादव पीते काशी मथुरा यही में गर्ग नारा सोचो मीरा कहती है मैंने देखा है गंगा जमुनी अंदर तो प्राग इसके अंदर आए मीरा पिंगला सुहना तीन में सिकठाई बैनी संगम से प्राग मनोरंजन करते हैं ये तो समझाने के लिए थे चीज बड़ी हो अंत निर्मे सात समाये परमेश्वर इसके अंदर है तो हर जगह इसके अंदर है यागत पीतर काशी मथुरा यही में करके नारा यागत पीतर तीन लोग का यही में सिर्जे नारा या फिर पितर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा क्या है कभी सुनो अब तो यही में गुरु हमारा है तो लम्बा चौड़ा उसमें हाँ चीज उसके अंदर फिर तब बाहर कैसे मिले थे अभ्यास करे तब आए अंदर जाए जैसे विद्या इसके अंदर परेड करने से काम देती है जैसे वकील कहते हैं जिसमें कर फिर मालकी बसने लग जाता है जैसे विद्या बसने लग जाती है जो भक्त पीरती थे तो रामनिवास तो राम भी इसके अंदर बसने लग जाता है काम देने लग जाता है ये है नाम का जपना चीज इसके अंदर है फिरता बाहर कैसे मिले हाँ हाँ जी नारद गंगा नारद माते बीच की बाबा ना सके जिसने मिलना तो अंदर बताया है मंदरा
बजाया साजा मसीहा बढ़िया निवाजा पंडित मौलवीना दिया सुनिया आवाजा किसे बताया ना असली राजा बहला काम किसी फकीर ने बताया बोलो सबने कहा चल तेरे अंदर अभ्यास से मिलना है। गुरु ने कृष्ण भगवान को कहा कि मुझे अपने परम पद ले चलो। उनका खास मित्र सोचो उनका पहले अभ्यास कर तब जा सकता है। सोचो देखो बगैर अभ्यास के किसी को नहीं मिला चीज इसके अंदर है। फिर सब चीजें इसके अंदर है। कबीर साहब ने तो लेकर चोटी तक कहा लिख दिया फलानी जगह फलाना है फलानी जगह फलाना है फलानी जगह फलाना है फलानी जगह फलाना है। चीज इसके अंदर फिर तो बाहर है। हाँ जी सब कुछ घर में बाहर ना ही बाहर छोटे से कर। हाँ जी मंदरा बीच बनाया साजा बीच मसी का बढ़िया निवाजा पंडता बोल दिया दिया सुनिया आवाजा किसे न बजाया असली राजा ये तो बैठने नहीं देता ये तो करने नहीं देता। ये कोई करता है चार दिन अच्छा प्रेम दिखाता है फिर वो परे पहन देता है करते करते को देख लो बहुत होशियार है वो। पहले कुछ दिन रस दे देता फिर फेंक देता पड़े। बड़ा धोखेबाज है जैसे किसी को प्यार से ठगते हैं ऐसे मन करता है। सबसे बड़ा बदमाश ही है मन मैंगल सक दीवाना बंखन माया मोह हैराना इस जाय काल के चाहते गुरुमुख खोज रहे कराते मन एक मस्त से रहे जो मोह माया विषय पैरों की जमीन भरते रहते थे कभी सुख प्यार कर बच्चे मोहब्बत कभी 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 कुछ कभी कम मधु बुखेड़े सोच लो तो देशों के बुखेड़े में जाए फिर रहा है बस ठेका लिए ऐसे बैठा है अंदर जाने नहीं देता किसी। बड़ा धोखेबाज है ये। हाँ बड़े बड़े व्यासियों को फेंक देते थे उठा। हाँ जी ये तो लगा रहे बस इसका कहा ना माने मानना चगड़ा मानना सत मन से उम्र भर की लड़ाई है ये। हाँ जी फकीरों का कहा ना मान छोड़े बस जो कहते वो करे। अभी ठीक फीर मिल गया मन लगे चाहे ना लगे जरूर बिठाए खाता है भाई।
ਗੁਰਦਾਲ ਸਿੰਘ ਸਚਿਵਾ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ ਆਂਗਾਰਾ ਬਈਏ ਨਾਸਿਕ ਲੋਕਾਂ जो नितनेम नाल भजन सिमरन करी जाओ अते कदे कोई दिन भजन से गफलत न करो भजन तो गफलत कीतिया ही मन आलसी हो जांदा तो आलस से दिलीचर नु छट के भजन का नितनेम रखी जाओ आपने एक दिन मन वस हो जाएगा जे एक दिन आलस हो जाए ता कई दिन भजन नहीं बनता ते साजे ता हालत ए है द्रौपदी नाम का ख्याल ही नहीं करते जिस करके मन पीला पै जाता है और भजन छट बहंदा कई दिन आलस हो जाए कई कई दिन नहीं लगेगा आपके झगड़ों से निकालते हैं हम बाद में वही फिर देख लो भाई मानस दास के पहचान लो तो हम हिंदू तो मुसलमान सनातनी आर्या उन्होंने तो लिखा खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेष्टाओं करने को साझा अब ये सिख का बन गया फिर दो राधो संघ बन गया फिर ये सत्र सूत्र बन जाएगा झगड़े वहां के भाई ये बताइए कि नामदारी सोचो भाई बस यही तरह रहे उसने चीज ही छोड़ दी उस धारी ने पकड़ लिए सारे बस निकलने नहीं देता वो इस झगड़ों से निकालने आते हैं कोई स्कूल खुलता है वह बच्चे हिंदू भी जाते हैं सिख भी जाते हैं मुसलमान भी जाते हैं ईसाई भी जाते हैं कोई रुकावट है कालीनता का ये भी ऐसे ही है ये बाद में बने सबसे देश नामी तो चल आगे इंसान जाति समाया है समाया है समाया
मेन चीज सिमरना जो बताते हैं तुझे, जो सिमरन करता है उसके अंदर बसने लग जाता है। जहां सिमरन है वहां माल का हर सिमरन में आपने उतारा, इससे ही मैले साफ होती हैं। प्रभु किसी में मन की मल जाए अमृत ना वेद माए समाये, और अच्छी तरह करे तो पुराने कर्मों का स्कोर पड़ा है वो भी खत्म होने लग जाता है। नाम के लिए सब काटे तरमरा के कागर फाटे। मीरा कहती है मैंने ऐसा स्मरण किया है, राम में राम रटे, पुरानी खतें भी खत्म हो गई, तो जो फिर अमृत आ गया। सिमरन करे तब जिसको पकड़ता उसको ले जाने की जल्दी है, इतनी हमें नहीं जिसको उसको फिक्र है। तो करे एक भी नहीं चलता। चरण शरण गुर एक पैंट जाए चल सब को पैंट आ गया है लेता है, ये कदम चले को कदम चलता है इसके लिए। एक बार सदगुरु मंत्र सिमरन मात्र सिमरन टाइम बार बार वो लेता है, वो कहता भल्ला भल्ला मुझे याद किया है मेरे सिमरन किया है। बोलो देखो उसको ज्यादा फिक्र हुआ ना हमारे से, इसलिए आता है कि ले जाऊं वापस। सदगुरु सबको देता लेता नहीं कोई, लेता नहीं कोई चीज को भरे उतारी वही श्रेष्ठ को मिले जिन्होंने आश्रम हमारी दुनिया के आसत विषय नहीं छोड़ता। छोड़े तो वो तो ले जाने को तैयार है। जाने लगे उनका सुजपा से ध्यान रखना। सुजपा हंस के जी को चले आए, दीदी पास है बच्चे अगर यहाँ ईदी सी लगो कहने लगे जी। उन्होंने दया के लिए कहा आपने कोई जवाब ही ना दिया, उसे जवाब दे बताते हैं सुना भाई। हाँ तो दया की टोकरी सच्चे पातशाह दे काफी दया बहुत है कोई लेता नहीं दीदी। कोई लेता नहीं बोलो। सच्चे पातशाह सदगुरु की दया भी किसी को बुरी लगती है। हजूर इतने बड़े खजाने का मालिक होकर क्यों सुम हो गए। सच्चे पातशाह जिस समय मैं दया लेकर लोगों के घरों में जाता हूँ तो लोग तो कोई लेता ही नहीं। दीदी किस समय जाते हो आप। हजूर रात को 2 बजे से लेकर रात 6 बजे तक दया की टोकरी लेकर घर घर जाता हूँ। कोई कोई भाग्यवान लेता है बाकी सब वापस ले आता हूँ। दीदी इसका क्या कारण है। हजूर सबको 2 बजे से 6 बजे तक
सर्व प्यार है ना, आदत प्रेम बताते हैं, ये है ऐसे देखा ऐसे देखा, वो तो हर वक्त साथ है, अंदर ही बैठी ताकत है। अगर ठीक फकीर मिल जाए जिससे काम लेता है, उसी रूप में आकर संभालता है उसी वक्त। हाँ हाँ जी, हाँ। इसका क्या कारण है हजूर? काको कोई तो सो रहा होता है, कोई घर के कामों का विनावन करता है, कोई विषय विकारों में लगा रहता है, कोई भजन में बैठा सो रहा होता है, कोई प्रेमी जो प्रेम से भजन करता है वो दया लेता है। वो देता है? दया तो ये है कि चीज मिल गई नाम सिमन, सिमन करे दया काम का है। कई प्रेमियों की चिट्ठी आई है तो मन तो लगता नहीं, बैठ कर उस दो तो तीन तीन घंटे, फिर आस्ते लगने में लग गया, फिर ऐसा रस आता है बस बता नहीं सकते। मन लगता नहीं लेकिन रस आता है, बैठे मंजूरी देता है। नौकर दुकान पे बैठा है, गाहक हो ना हो उसको तनख्वाह मिलेगी, ये हुक्म मान कर बैठे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे कोशिश करे, तो मजदूरी देता है। अति दया लेकर देने के लिए आता है, किस लिए आता है, किस वास्ते आता है, इसीलिए आता है। बोलो जल्दी करो, हर मौके पे खड़ा है वो। हाँ अंदर काल धोखे देता है, वो फौरन आके संभालता है। हाँ जी, नान के नान करते गए रंग साहब के वक्त ऐसे तरह ही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, उसका तो रूप है ही नहीं, दुनिया में उसका रूप कौन सा है? हर का चेहरे सोई हर जन का, और आपके जन्म में आप रखना, जिस चोले में काम करते वही उसका रूप है, आगे उसी तरह मिलता है। हाँ हाँ जी, किसी का पर में पूजा था खुदा की।
तू है तुम्हारी कैसी सूरत है उदासे ये आवाज आई उदासे ये आवाज आई सूरत समान शान की बात जब मौत आती है वहां काल बताते हैं उन जीवों को लिया जिनको चिताया हुआ है अगर वो भजन नहीं भी करते थोड़ा करते हैं या उनकी कैसे संभाल करता है सुनो हाँ निकले प्राण बदन से जावे जाहे समय की सात सुनावे जाता अब दृष्टांत सुनाऊं नकल माहे में असल दिखाऊं जैसे पता गगन चढ़ जावे डोरी देत देत बढ़ जावे जब डोरी वह खेच खिलाड़ी खेच डोर भूमि पर डारी सिमटी डोर किया उन पिंडा ये विध सूरत खींच ब्रह्मंडा रोम रोम से तेज खिंचाना मिसाल देते हैं जैसे पतंग उड़ाते हैं जो ये दौर छोड़ते जाते हैं फिर आगे से आगे बढ़ता जाता है जब खिलाड़ी बंद करता है तो दौर को खींच लेते हैं पिंडा बना के रख लेते हैं तो नीचे आ गया इसी तरह वो धार कुदरती तौर पर दिमाग के जरिए आ रही है आंखों में देखने लगा कान में सुनने लगा जबान में आ बोलने लगा हाथों पर में चलने फिरने लगा फिर ये ख्याल आगे से आगे बढ़ गया माँ बाप बहन भाई कौम मधु धीरे धीरे जब मौका आती है ऐसे को खाते हैं जैसे वो पतंग का है वो खाता है हाँ फिर नाभि में आता है हाँ जी लाभ तेज से भास उठाया
सब तन मध काल वे आया काल वे से जब डोर खिचानी जब तक पांच अंड में आनी अंड तक सूक्ष्म मंडल में आ गया हाँ हाँ जी खचे डोर प्राण इंच आवे काल कान पर आसन आम जीवों का ऐसे ही हाल है सारे जीव ऐसे ही जाते हैं जो जिनको नाम नहीं मिला कालों को पकड़ता है हाँ जिनको मिला है हाँ काल कान के मार्ग आई या विधि तन के माह समाई जब वादोर को पकड़े जाई संक सूरत की बैठक वाही या काल के जीवन वो तो काल ले जाता है जो संतों को जिताए हुए हैं सदगुण संतों के रूप में अंदर बैठा दाई तरफ सदगुण का दफ्तर है दाई तरफ काल का है वो उसी वक्त संभालते हैं भाई हमारा जीव है ये चोर हाँ 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 जी वही सतगुरु की बैठक पासा डोर छाड़ होए काल निरासा प्राणी सतगुरु की सुध लावे डोरी छाड़ काल अलगावे अच्छी तरह करे अच्छी तरह को करे यहाँ काल आए तो उसी वक्त उसको धक्का माथे लगा देते हैं यहाँ बीबी बैठी हैं लोग इनका पिता था अंदर बड़ा था बाहर लड़का था बोलता ही नहीं था जमदूत आए कहने लगा निकल जाओ अलग बात करोगे बापू क्या बात है पहले तो बोलते ही था वो चार आए थे काले कपड़ों वाले देखो काले कपड़े वाले तू भी नहीं देखे नहीं मैं तो देखे वो आए थे मैंने कहा निकल जाओ सब भाग गए हैं देखो इतनी ताकत है तो सुन करे चरण सिंह महात्मा था ना यहाँ पे जाने वाला उसकी माँ तो भी आए थे तीन दिन आते रहे काल नहीं जाती तेरे साथ बोलो इतनी ताकत है तू प्रेमी हो इसी तरह से मुझ करो हाँ ये इतनी कीमती चीज मिली फिर सिमरन नहीं करता ये देख लो पैसे के लिए कितनी मेहनत करता है इसके लिए करता ही नहीं यहां से धड़का मारकर निकाल दे अभी तो नजदीक ही नहीं फटते बल्कि वो तमरा जी इनसे नमस्कार करता है नाम के अनुसाजना जनपदार जी नान कर्म ऐसे चवे की तो पवन सुनीत वो भी नमस्कार करते इस भक्ति को हाँ बस तुमने काफी हाँ जी मन बेशर्म है सुनो मन की बेशर्मी सुनो तुझे पास के टाइम में एक प्रेमी था हाँ सुनो सच्चे बादशाह जी दीन दुनिया के वाली एक दिन ब्यास में सुबह 9 बजे शहर करके तथा संतों को दर्शन देकर आए सुनो भैया तो पैरा रखा करो बच्चे आए फ्री जाने तो नहीं जाने ना उधर प्रकृति की कई चीजें जाने फिर पौड़िया बंद करया करो ऐसे मौके हाँ, हाँ जी संगतों को दर्शन देकर आए तो ऊपर चौबारे पर बरामदे के आगे कुर्सी पर विराजमान थे मैं दर्शन करने गई तो हंसकर फरमाने लगे
काको आज हमें एक चिट्ठी आई है, तुझे सुनाई। मैं हाथ जोड़कर बैठ गई। राम सिंह बेचारा बड़ा प्रेमी और डेरे में हजूर जी की बिजली की सेवा करता था। कहीं बाहर गया तो वहाँ पर काम मिल गया। वहाँ पर काम मिल गया और पैसे बहुत हो गए। माया का काम है, यदि आए तो कई खेल दिखाती है। एक दिन रामे के दिल में आई कि चलो आज वेश्या के चले के। और दिल खुश करे। जब घर से चलकर वेश्या के यहाँ जाने लगा तो सतगुरु ने दर्शन दिए, फिर भी न हटा। जब वेश्या के मकान के अंदर गया तो फिर सतगुरु ने पूरे दर्शन दिए, फिर भी वह न माना और अंदर चला गया। अंदर जाकर छोटा ख्याल जाहिर किया और वेश्या के हाथ में 5 रुपए दिए। वेश्या और राम सिंह के बीच में खड़े होकर सतगुरु जी ने जोर से रामे के एक डांटा लगाया। रामा बेहोश होकर गिर पड़ा और कोई होश न रही। वेश्या डर गई कि इसको क्या हुआ है। अच्छा भला आया और आते ही गिर गया। देखो इस माँ की कसर है, देख लो ऐसा मन बेशर्म है। उसे उठाया और जब होश आई तो कहने लगा कि बीबी मैं भूल गया, फिर कभी भी ऐसा विचार दिल में नहीं लाऊंगा और न तेरे यहाँ फिर कभी आऊंगा। तुम मेरे रुपए वापस कर दो, मेरा तो तन मन धन सतगुरु का है। मैंने गलती की जो सतगुरु की माया को छोटे कर्मों में लगाने लगा था। वेश्या ने रुपए वापस कर दिए और कहने लगी कि मैं तौबा करती हूँ, तेरे जैसे आदमी को कभी घर में नहीं घुसने दूंगी। ऐसा बेशर्म है मन। बस बोल दे। मैं तो कभी कम जिस माल करता हूँ। हाँ जी, तो सतगुरु सबके अंदर सबके साथ है। जब दृष्टि वाले में आता है फिर काम करता है। डॉक्टरी सबके अंदर है, किसी डॉक्टरी को भी सीखी जाती है, इसी तरह ये है। हाँ जी, कालपुर का है जो वापस जाने लगे हैं, जिसे घेरना चाहे सोचो तो वापस थे निकल गए हैं। बाकी किसकी ताकता है, अंदर बिखरे दान बिखरे दौल वहां मेरे सदगुरु सुख सह स्थिति कर जाते हैं। अंदर धोखे हैं व्यासी को भी, तो सदगुरु आज संभालता है उसी रूप में आकर। हाँ हाँ जी, सिद्धियां सिद्धियां उन पे आशिक है, जैसी सूरत सारी जान।
कहा करोगे तो खुदे सगुन लिखो, ये मैच में लग गया कैमरा आपका सब परे हो जाते हैं। हाँ जी, राज महाकाल कोई इसको रोक नहीं सकता, ये खुद ही रुकता है, ये खुद ही रुकता है, जब रुकता फिर वो संभाल भी करता है। हाँ ये होगा हुक्म जाने दो, ये होगा हुक्म जाने दो, ये है बनाई है जैसे राम सिंह था। अभी सुना गुरु सुमार भी करते, फिर डंडे सीधे भी करते हैं, ये मैक में लग गया। हाँ हाँ जी, पूरा को आप लेते हैं, आदत सान शादी क्या बनाई है, बोल ही नहीं से खिच खिच कर देता हूँ पता नहीं कभी। हाँ जी, बस जितना अब करोगे इसकी कदर है, यहाँ के एक दिन आगे का हजार साल, यहाँ के एक दिन आगे का हजार साल बैठे, इसको पता नहीं। हाँ हाँ जी, सतगुरु